अभी देखो ये वेब टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, देखो, ये वेब टेम्पलेट के साथ ये थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ठीक है, ये वाली, और इसके बाद ये स्पेस आ रही है, और ये नीचे भी स्पेस आ रही है। अगर आप कोई और वेबसाइट देखें, ये देखो ये वेबसाइट देखें, इसने दरमियान भी स्पेस दी है और इधर भी स्पेस दी है, ठीक है। तो हमें इसलिए ये देखो ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी इतने हिस्से पे स्पेस आ रही है, ठीक है। तो और अगर वेबसाइट कोई और देखते हैं हम, ये टेम्पलेट है पूरा, ये देखो इस हिस्से में भी स्पेस आ रही है इतने, इधर से इतना, और इधर से भी स्पेस आ रही है, और इधर से भी इतनी स्पेस आ रही है, और यहाँ से भी स्पेस आ रही है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले क्या करना है, जाना है यहाँ पर स्पेसर, लिखना है स्पेसर आगे, तो स्पेसर जाके हम ड्रैग अगर ऐसे भी लगा देंगे तो ऐसे भी लग जाएगा। अब क्या हुआ, इतना हिस्सा उसने क्या स्पेस दे दी। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप इसे 80 भी कर सकते हैं, 80 कर दो तो स्पेस ज़्यादा होगी, पर पूरी वेबसाइट में एक ही तरतीब की स्पेस रखना। अगर आपने दो सेक्शन के दरमियान में जो स्पेस रखी है ना, वो पूरी वेबसाइट में एक ही होनी चाहिए। अगर 80 की रखी है तो 80 की ही रखनी है, ठीक है। अगर 50 की रखी है, 50 की ही रखनी है, ठीक हो गया। अब मेरा दो सेशन के दरमियान कितनी स्पेस है, 80 की। अब मेरे जितने भी सेशन बनेंगे सबके दरमियान कितने की स्पेस होगी, 80 की। फिर वो परफेक्ट लगता है, अदरवाइज वो डिवेल्प लगता तो वो भी ठीक है, उसको कहीं 50 दे दी, पर ये है कि एक सीक्वेंस से काम करेंगे ना तो परफेक्ट लगेगी चीज़, हर चीज़। जो डिवेल्पर होगा, कोई और भी दिखेगा ना, वो कहेगा वाकई कोई काम की है, ठीक है। तो इसलिए इस तरतीबों से चलना है। अब मुझे बनाने हैं दो सेक्शन, दो सेक्शन बनाने के लिए मेरे पास है ये चीज़ ऑप्शन, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने डबल वाला लिया, मैंने दो सेक्शन बनाने, कैसा बनाना है, मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ ये चीज़, ये दो इमेज लगी ना, मैं पर यही बनाऊंगा, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊंगा मैं उसमें। अब मैंने क्या किया, मैं नीचे आया, अब ये देखो मैंने पहले तो सबसे पहले यहाँ पर किया, ये थ्री डॉट में किया, मुझे सबसे पहले तो इस पे ना कलर चाहिए बैकग्राउंड, तो मैंने बैकग्राउंड कलर में किया, तो मैंने बैकग्राउंड कलर में जाके पहले तो मैं इसका कलर दे रहा हूँ, मैं इसको कलर दे रहा हूँ लाइट सा कलर देता हूँ, ये मैंने कलर दिया, ठीक है। और अब मुझे इसकी एक काम करना पड़ेगा, मुझे लेआउट में जाके इसकी हाइट तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, या तो मैं फिट टू स्क्रीन कर दूंगा या मीन हाइट दूंगा। मीन हाइट का फ़ायदा है कि अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो मीन हाइट अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मैंने यहाँ तक परफेक्ट है दे दी। अब हमारे पास ये दो सेक्शन है, ठीक है, दो सेक्शन बने हैं। अब एक में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हेडिंग आए, तो मैंने क्या किया, हाँ पहले मैंने इस पर क्या लिखा, हेडिंग, मैंने हेडिंग दी, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया, हेडिंग को जाके मैंने किया सेंटर, और स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज किया और कलर दिया ब्लैक, ठीक है। अब मुझे चाहिए पैराग्राफ, मैंने क्या किया, पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट, पैराग्राफ भी देखते हैं तो पहले तो कोई पैराग्राफ नहीं है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। मैंने टेक्स्ट एडिटर को उठाया, उसके नीचे रख, ऊपर भी रख सकता हूँ नीचे भी, पर मुझे चाहिए नीचे, तो मैंने नीचे रख दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब सबसे पहले तो इसकी अलाइनमेंट करनी है सेंटर, तो हमने इसकी किया कि अलाइनमेंट सेंटर, मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया टेक्स्ट और मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। हमारे पास कुछ टेक्स्ट इस तरह का आ गया। अब टेक्स्ट की कलरिंग चेंज करनी है, टेक्स्ट का ग्राफिक चेंज, तो हाँ फॉन्ट जो सा है वो एक ही रखना है, ठीक है। फॉन्ट जो सा है चेंज नहीं करना, और फॉन्ट का साइज और फॉन्ट, ठीक है, एक से दो रखने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखने, दो हो जाए या एक हो जाए, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो अब मुझे इसका हर, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ लोअर में शो हो, नहीं डिफॉल्ट ही है, डिफॉल्ट में शो हो, पर इसकी जो हेडिंग है वो 40 हो, 40 ज़्यादा हो गए, 30 बिल्डिंग, मैंने असल में 12 बिल्कुल परफेक्ट लग गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये हेडिंग है, अब ये थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है, तो मैंने इसे क्या किया, मैं स्टाइल में गया, टाइपोग्राफी में गया, टाइपोग्राफी में जाके मैंने इसको दे दिया 30, तो 30 दिया, और मैंने इसे ज़्यादा बोल्ड करना है तो थोड़ा सा बोल्ड किया। लाइन हाइट अगर ज़्यादा करनी है तो कर दो, लाइन हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, लाइन हाइट, ठीक है। अब ये ठीक हो गया, यहाँ तक मेरा परफेक्ट लगा। अब ये हिस्सा,
इस हिस्से में आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाती है। ये अगर ये जो निशान बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब देखो, मैंने अगर ये समझो इसका बैकग्राउंड है, अगर मैंने इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सेम 3 डॉट वाली, ये 6 डॉट वाली सेम वही चीज़ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आ जाती है। सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। मैं स्टाइल में जाऊँगा तो सेम वही चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि उधर की गई थी, पर थोड़ा सा डिफरेंट आया, बाकी सेम नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मुझे इमेज लगानी है तो मैंने कोई इमेज उठाई, मैंने ये इमेज उठाई और मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब ये देखो इमेज लगा दी। अब इसकी पोजिशन सेट कर दो, मैंने कहा सेंटर, पोजिशन सेंटर की, अटैचमेंट स्क्रॉल कर दिया। अब अटैचमेंट फिक्स और स्क्रॉल का क्या है, स्क्रॉल का मतलब है ये देखो स्क्रॉल हो रही है, ये स्क्रॉल हो रही है। अगर मैं फिक्स करता हूँ तो वो देखना क्या होता है, फिक्स किया ये देखा, ठीक है। अब देखो वो सारा व्यू दिखा रहा है फिक्स है, ठीक है, पर अटैचमेंट में वो चीज़ नहीं है। ये देखो हर चीज़ हर व्यू दिखा रहा है ना, ऊपर से नीचे तक, ये होता है फिक्स, ठीक है। अब मुझे फिक्स चाहिए और मैंने कहा नोड पीट को और कवर हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कुछ इस तरह करना है। अब अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हो तो उसको सेंटर करो, वर्टिकल को भी मिड करो, और इसके बाद अगर कॉलम की हाइट ज़्यादा करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, जहाँ पर आपको ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है वो दे दो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें ये क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर लगा, अगर लगाना है इमेज तो एक ये पर एक ये तरीके, अगर मुझे इसके ऊपर भी इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हमें एक पास इमेज का टैग होता है, ये इमेज मैंने उठाया यहाँ पर इमेज लगाई। अब ये इसके ऊपर इमेज का लोकेशन आई है, हमें इसे क्या किया सेंटर और यहाँ पर इमेज लगाई, ठीक है, परफेक्ट हो गया हमारा। और इसकी छोटी सी विड्थ कम कर रहे हैं, ये देखो मैक्स विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा की, ठीक है, हाइट ठीक है। अब देखें यहाँ तो परफेक्ट हो गया, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए अब आपका ठीक लगे, हाँ अगर आप कह रहे हो कि मैं इमेज नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज डिलीट करो। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा ये वाली जो इमेज का व्यू है ये पूरा पूरा दिखे, ठीक है, अगर ये आप चाह रहे हो पूरा दिखे इसे डिलीट करो। आपके पास एक स्पेस की ऑप्शन होती है, स्पेस को उठाओ और यहाँ पर पेस्ट करो। अब स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा करो, ठीक है, ये है मेथड तरीके हैं काम करने के, ठीक है। अब मुझे इमेज को इस तरह दिखाना, अब देखो इमेज परफेक्ट नज़र आ रही है, हर लोकेशन से इमेज मुझे परफेक्ट नज़र आ रही है। अब ये क्लियर हो गया हमारा। अब ये जो चीज़ है ये नीचे आ रही है, तो ये देखो इसका ये वाला है, इसको देखो। और अब अगर मैं इस पे जाऊँ, अब यहाँ पर एक आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो आप इसे मिडल कर दें, ठीक है, एक एक तो ये बॉटम करेंगे तो बॉटम में चले जाएगा, मिडल परफेक्ट लग रहा है, वर्टिकल मिडल परफेक्ट है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं करना चाह रहा ये चीज़ें, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर जाओ, स्पेसर में जाओ, स्पेसर से इसके ऊपर स्पेस लगा, अब अपनी मर्जी से उसे जहाँ लेके करना है वहाँ पर एडजस्ट करो, ठीक है। ये मेथड है, दो मेथड है, दो अभी भी नहीं हो आपके असल में ये इसमें काम करने के मेथड है, ठीक है, हर चीज़ क्योंकि अगर हम यहाँ पर इमेज सेट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हुई, ठीक है, तो हमें वो हम नहीं वर्क कर सकते, ठीक है। बेसिकली हम इसी तरह इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैंने सेंटर किया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने क्या करना था इसे, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे क्या किया गया, हाँ वेट, ठीक है। अब देखो ये इमेज हमारी क्या होगी, परफेक्ट होगी। अगर मैं सेव करके इसे प्रीव्यू करता हूँ तो देखो इस पर मज़े की इमेज बन गई, ये देखो हमारे पास कुछ मज़े का चीज़ बन गई है। देखो अब
यहाँ तक तो ये परफेक्ट हो गया, पर हमें कुछ और काम रहता है। अब ये चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ें इसके साथ टच हो रही है, तो मुझे इधर जाके थोड़ा सा मीन हाइट ज़्यादा करनी है। अब देखना इस तरह के सेशन बने होते हैं कुछ, अगर आपने ये देखे हो ना, अगर कोई वेबसाइट देखो, ये चीज़ें ये बनी होती हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो एक बार किया ना, जिसने जिसके हाथ से एक बार गुजर गया ना, उसे तो सब समझ लग गई, जिसने ना किया ना, वो फिर जैसे मर्जी कहते रहे, तो वो नहीं होना। ठीक हो गया, ये देखो परफेक्ट है। मैं सारा करता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ, पर मेन्यू भी बना देता हूँ। आप देखो, अब ये देखो, मैंने ये बनाया, मैंने डबल लिया, मुझे दो चाहिए थे, एक तरफ टेक्स्ट चाहिए था, एक तरफ इमेज चाहिए थी, मैं डबल पे क्लिक किया। ठीक है, उससे पहले मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, ये स्पेस दी मैंने यहाँ पर, स्पेस दी, इसे पकड़ के मैंने ऊपर ले आया, ये देखो ऊपर ले आया। मुझे स्पेस यहाँ पर लेके आनी है, मैंने क्या किया, स्पेस लिया, मैंने यहाँ पे आके छोड़ा, और ये स्पेस आ गई। अब मैं पकड़ के क्या कह रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ, बस ऊपर आ गई थी, सिर्फ उठा के आपने करना है। अब ये देखो सी थी यार, किसी भी सेशन को उठा के ना ऊपर लेके जा सकते हो, अगर आप चाह रहे हो ना कि सेशन को उठा के फर्स्ट पे लेके आना है, तो फर्स्ट पे ले आओ। ये देखो, ये देखिए कहाँ पड़े हैं वो, कहाँ इसका सेशन, ये देखो ये आन के मैंने ऊपर आन के छोड़ा, तो ये देखो बन के। कोई भी सेशन को उठाना है उठा के ले आओ, मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये देखो मैंने कितनी 80 की स्पेस दी, अब मेरे पास दो सेशन ये वाले आ गए। ठीक है, अब ये दो मेरे पास सेशन आए, अब मैंने यही सेशन दोबारा बनाने, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया 6th फ्लोर पे, वहाँ जाके मैंने क्या किया, पहले तो मैंने मीन हाइट सेलेक्ट की, मुझे मीन हाइट परफेक्ट लग रही है, यहाँ तो परफेक्ट है। ठीक है, अब मैंने कलर दे दिया, कलर क्यों दे रहा हूँ, ताकि ना थोड़ा सा अच्छा दिखे मुझे, ठीक है, ये कलर दिया और मैं इसे ऐड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बंद हो गया, अब ये बन गया। अब मुझे चाहिए एक की तरफ टैक्स और एक तरफ इंच, टैक्स वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है। अब टेक्स्ट वाला पोर्शन ये वाला है, अब ये वाला टेक्स्ट वाला है, अब मैं ये टेक्स्ट बनाऊंगा, ये इमेज बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे सबसे टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट प्लेस किया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, हेडिंग स्टाइल, तो ये हेडिंग ले ली, अब मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट नीचे लगा। अब मैंने क्या किया, पहले तो इसकी लोकेशन मैं सेंटर कर रहा हूँ, यानी मुझे लेफ्ट साइड पर अच्छा नहीं लग रहा, सेंटर ठीक लगे, मैंने सेंटर किया, तो अब मैंने इसे भी सेंटर करना है, तो मैंने इसे भी सेंटर कर दिया। ठीक हो, अब ये सेंटर सेंटर आ गया, तो अगर मैं यही टेक्स्ट उठाता हूँ, तो मैं यही टेक्स्ट उठा लेता हूँ, कॉपी किया, मैंने कहा कोई और टेक्स्ट लेंगे तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, अब देखो ये टेक्स्ट लग गया और यहाँ पर हेडिंग भी आ गई। ये चीज़ें बाद में स्टाइल्स में तो आप दे लोगे, अच्छी दे दोगे, मुझसे भी अच्छा दे दोगे, अब आपने दे दिया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है इमेज लगाने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ से इमेज उठाओ, यहाँ पर लगा दो और इमेज चेंज कर दो, ये तो ये चीज़ बनी और ये परफेक्ट बनी है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इस इमेज के भी बैकग्राउंड में कुछ आए, ठीक है, कि मतलब मैं चाह रहा हूँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि हमने ये वाला सेशन बनाया, ये सेशन बनाया ना, अगर मैं चाहता हूँ कि यही वाला सेशन इधर भी मेरा डेवलप हो, तो फिर आप इमेज नहीं लगाओगे, फिर आप इमेज नहीं लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाओगे। ये इसका क्या है, बैकग्राउंड, ये आप अगर इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाओगे ना, मैंने अगर इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाई, अब मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ,
पहले मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता था, अब देखो अब मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, हेडिंग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया, हेडिंग भी लिख लिया, हाँ। अगर अगर मैं ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर इमेज लगाता, ठीक है, अगर मैं इधर इमेज लगाता फिर मैंने टेक्स्ट नहीं लिख सकता था, हाँ वो सिंपल इमेज। अब ये देखो ना, अब ये देखो, मैं अगर वापस जा रहा हूँ दोबारा पढ़ता हूँ, ये देखो लिख रहा हूँ यहाँ से हिस्ट्री में जाके, ये रिमूव हो गई इमेज। अब देखो अगर मैं, ये देखो मेरे पास खाली जगह है, अगर मैं यहाँ पर इमेज लगाता हूँ, इमेज लगाया, अब मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता ऊपर, कभी भी नहीं लिख सकता, ठीक है। अब ये देखिए इमेज लगाई, हाँ अगर अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो नीचे ही लिखूंगा, देखो इसके नीचे आएगा टेक्स्ट, ऊपर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने इमेज के ऊपर कभी टेक्स्ट लिखना है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, ये चीज़ भी डिलीट करनी पड़ेगी, अभी बता रहा हूँ, ठीक। अब आपके पास ये, जब ये ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करके क्लासिक में जाके इमेज लगानी। अब क्या हुआ, ये बैकग्राउंड पे इमेज लग गई है, ठीक है। अब ये इमेज बैकग्राउंड पे लगी ना कि फ्रंट पे लगी है, अब बैकग्राउंड पे इमेज लगी, अब जो मर्जी इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। अब इमेज के ऊपर टेक्स्ट भी आ गया, सारा कुछ आ गया, यहाँ तक हो गया परफेक्ट, ठीक है। यही चीज मैंने ऊपर बनाई थी, तो ऊपर बनाई थी पर मैंने ऊपर इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा था, ठीक है। आप ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। अब यही अगर चीज को मैं, ये देखो अब मैं इस पे अगर राइट क्लिक करता हूँ ना, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की ऑप्शन आती है, तो यहाँ तो आप कॉपी कर लो या आप डुप्लीकेट कर लो, मैंने डुप्लीकेट करना है, मैंने डुप्लीकेट बनाया। अब डुप्लीकेट जब बना लिया, तो इसके दरमियान मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसके डुप्लीकेट करो और इसे ड्रैग करो, और ड्रैग किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्या आ गई, इधर स्पेस आ गई, स्पेस ये आ गई, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो चीज़ है मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर इमेज चाहिए ना कि मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ, ओके। मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, इमेज, यहाँ पर इमेज मैंने पेश किया, मैंने इमेज, अभी देखो ये परफेक्ट इमेज आई है, वो इमेज परफेक्ट नहीं आ रही थी क्योंकि उसने पूरी जगह लेनी थी, ठीक है। ये क्या आ रही है, ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ रही है। अब यहाँ पर अगर इसकी थंबनेल वगैरह छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ पैरा एडजस्ट हो गया, हाँ ये चीज, ठीक है। अब ये पैरा एडजस्ट हो गया, अब देखो इसको लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना है वो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़नी क्योंकि वो पैराग्राफ से खुद ही एडजस्ट करें। अब जितनी बड़ी बड़ी पिक लेना, पर लार्ज साइज बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर कैप्शन अटैच करना चाह रहे हो कि जैसे मैं इसके ऊपर आऊँ वो कैप्चर कुछ आगे लिखा हुआ है, तो ठीक है, अदरवाइज तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो स्टाइल विड्थ हाइट है देनी है दे दो, अदरवाइज परफेक्ट लग रहा है मुझे तो। अगर किसी का कोई हो तो वो हाइट विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक थी मुझे पर, ओके। और फिल्टर, फिल्टर भी है, फिल्टर में काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाती है, ब्लर आ जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है, इसका मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेकअप, ओके ठीक है, ओके। ये मेकअप के लिए था इनका। अब रेडियस है, रेडियस देना है तो दे दो, ओके ठीक है। शेडो, शेडो देना, शेडो दे दो, तो ये 3D टाइप का शेडो बन जाता है। अभी पहले 2D शेडो होता था, अब 3D आ गया है, क्योंकि पहले 2D चलता था, अब 3D लोग लाइक करते हैं, तो ये 3D शेडो टाइप का बन जाएगा। अब देखो ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब एक और चीज़ आएगी, अब ये देखो मैंने तरतीब से चलना था कि पहले इमेज यहाँ थी, अब इमेज यहाँ आई, अब दूसरी इमेज कहाँ आएगी, वो यहाँ पर आएगी। तो
अब अगर हमें इमेज को यहाँ पर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल करना क्या पड़ना है, ये लगा हुआ है इसके पकड़ना है, इसको क्लिक करना है और ये देखो कॉलम बन के आया आपके पास, तो आपने सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर उधर से पकड़ के उधर छोड़ देना, बस वो खुद ही जगह एडजस्ट कर लेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अब वर्क करते हैं थोड़ा सा और वर्क करते हैं। अब मैंने क्या क्या किया, मैंने ये दो बटन बना लिए, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर तीन बटन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को क्या करूँगा डुप्लीकेट। अब ये तीन बटन बन गए टोटल, परफेक्ट तीन बटन बने, पर क्या है इनका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा नहीं लग रहा, बिल्डिंग वो जो थोड़ा उनका था वो परफेक्ट था। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका डुप्लीकेट चाहिए, ये देखो ये इसके वाला है, ये इसका है, ठीक है। अगर मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए तो मैं डुप्लीकेट करूँगा, ये तीन परफेक्ट हो गए। डिफरेंट क्या है, इसकी जो उनकी विड्थ है, पैडिंग है जो उनकी मैंने वो दी हुई है, इसके बॉर्डर की पैडिंग जो दी है इनकी, एक मिनट, इसके वाले क्लिक किया बटन पे, बटन पे क्लिक किया, अब देखो अब ये सेशन बन गया। इसके दरमियान में इस पर भी पिक लगा सकता हूँ, इस पर कलर भी दे सकता हूँ, पिक भी लगा सकता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, डिलीट करो, दोबारा देखो मैं इनर सेशन लेके आया हूँ, इस पर करते हैं, इधर नहीं करते हैं वर्क। मैंने एक बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मेन, ये मेन हो गया ना, यहाँ तक तो पता है ना। अब मैंने क्या, अब मैंने इनर सेशन इसके अंदर दो लगा दिए, ठीक है, दो इनर सेशन का। ये क्या किसके पार्ट है, इनर सेशन किसके पार्ट है, इस वाले के, फर्स्ट वाले के पार्ट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन आ रही है ये वाली, मैं इसके इधर भी इमेज लगा सकता हूँ, एक फ्रंट पे इमेज लगेगी, यहाँ पर अगर मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ, कलर देना चाह रहा हूँ, ये देखना मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। ये देखिए अगर मैंने इसको कलर दिया ये वाला, ठीक है, मैं इसके ऊपर जो सा कलर आएगा वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, ये नीचे वाला क्या था, इसका कह लो पेरेंट्स था, ये उसका ऊपर क्या है चाइल्ड, चाइल्ड कितने हमारे पास है दो। अगर मैं ये देखो ना पेरेंट्स, यार अगर आप एक बार आप खुद करोगे ना आपको खुद ही समझ बहुत ज़्यादा लगेगी, अभी आप कर नहीं रहे ना इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज करोगे बहुत आसान है। अभी देखो ये पेरेंट्स था, ये हमारा क्या था फर्स्ट जो सा मैंने बनाया था वो पेरेंट्स था, डिलीट करो, ये देखो ये क्या है हमारा पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर हमने कितनी वैल्यू ली थी एक, अगर मैं चाहता था मैं दो भी ले सकता था पर मैंने क्या लिया एक, हाँ अगर मैं दो लेना चाहता हूँ ये देखो यहाँ पर क्लिक किया डुप्लीकेट कर दूंगा तो ये दो गई, जितनी देना चाह रहे उतना डुप्लीकेट कर दूँ, यहाँ तक देखो परफेक्ट है। अब देखो कितने परफेक्ट कितने बन गए, मुझे ये नहीं चाहिए थे, मुझे एक ही चाहिए, मैं चाह रहा हूँ एक ही बनाऊँ और उसके अंदर वर्क करूँ। ये तब बनाते हैं जब हमारे पास ये देखो एक एक हमारा पेरेंट्स है उसके अंदर काफ़ी सारे चाइल्ड हैं, जैसे हम हमारा पेरेंट्स है, हम आपके आप भाई बहन होंगे, चार पाँच भाई बहन हो, ठीक है, तीन चार जितने भी भाई बहन हो वो, ठीक है, ये वो है, ठीक है, अब ये वो है। अगर मुझे आपके भाई बहन है कितने हैं तीन तीन, ठीक है, अब अगर मुझे इसके अंदर बनाने होते हैं, मतलब इन इनकी शादियां हो गई हैं, इनके भी बच्चे आ गए, तो फिर हमें क्या करना था, इनर सेशन लगाना था, इनर सेशन लगाना पड़ना था। अब ये क्या है, आपके एक भाई के दो बच्चे हैं, आगे आपके एक भाई के दो बच्चे हैं और आगे एक भाई के तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे के लिए क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा ना इसको आपने क्या करना है डुप्लीकेट, ये तीन है। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट, अब ये चीज हो गई है आपको, अगर इसके ये वाले में क्लिक करके जितने मर्जी बनाते ना 12 बनने टोटल इसके अंदर बन सकते हैं, मैंने वो बताया था ना इसके सारे इसके अंदर ही सारे उसके अंदर ही सेक्शन के अंदर सारे उसके अंदर ही बनेंगे, एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना, क्यों
दसो सही। की हो की रहा कोई प्रॉब्लम आ रही है आर्मी की हेल्थ चेक की कि नहीं है नवी ले लो यार वो यार वो दियो कि नहीं पता नहीं है यार वो हार्ट अटैक पे आवे हेल्थ कट की ना हार्ट अटैक पे आवे तुसी बैठे हो ना कि किधर गया सारा स्टॉक सारा उनको ट्रांसफर करिए किने की भी ना जो पे आवे गूगल ड्राइव पे सोच रहा हूँ। हाँ नोपा का बाकी भी इसका ना रहता गूगल ड्राइव पे सोच रहा हूँ। हाँ गूगल ड्राइव ठीक है 15 GB दे रहा हूँ ठीक है कि एक महफूज पे आया हुआ सेटअप तो जितो भी जरूरत पड़े मोबाइल तो चक लिया लैपटॉप भी देख लिया कंप्यूटर भी चक लिया चक लिया। हाँ महफूज है अच्छा तो आप कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो पूछो। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये पेरेंट्स आया है ग्रीन ब्लू कलर वाला आपका पेरेंट्स है। अभी डिलीट कर रहा हूँ ये सारा। और ये क्या तीन जो आपके बने हैं क्या है आपके आपके बहन भाई हैं पेरेंट्स के चाइल्ड ठीक है। ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले बताता था ठीक है सेम वही कंसेप्ट है सेम वही कंसेप्ट है ठीक है मैं जो बताता था आपको ठीक है और कोई भी नहीं। अब अगर मैं अब ये देखो ये चीज हमारी अब ये तो पता लग गया ना एक पेरेंट्स के कितने चाइल्ड है तीन। यहाँ पर एक पेरेंट्स के कितने चाइल्ड है पेरेंट्स के कितने चाइल्ड है यहाँ पर इस वाले सेशन में दो है यहाँ पर एक है ठीक है एक ही है कुल टोटल उसके अंदर हमने एक सेशन बनाया है मतलब उसके उसके अंदर अब ठीक हो गया यहाँ तक परफेक्ट हो। अब ये देखो अगर मैं इस पे वर्क करता हूँ इस वाले को नीचे वाले को इग्नोर किया अब मेरा देखो अब थोड़ा सा समझने वाली बात है ये देखो अब मैंने इस पे वर्क किया अब क्या है अब ये वाला जो चाइल्ड है ये आपका जो जो पेरेंट्स का चाइल्ड है इसके अंदर एक और दो चाइल्ड है दो चाइल्ड ठीक है इसके अंदर दो चाइल्ड के मतलब दो सेशन बना लिया जो पेरेंट्स को बनाए। अब अगर मैं इनर पे जाता हूँ अब एक इनर अब क्या हुआ एक मैं और डुप्लीकेट कर रहा हूँ तीन हो गए। अब क्या हुआ हुआ ये कि इस पेरेंट्स के कितने थे दो चाइल्ड अब इनके क्या थे एक चाइल्ड दो चाइल्ड और तीन वो तीसरा जो चाइल्ड था उसके अंदर कितने थे कितने चाइल्ड बने तीन उसके अपने भी तीन चाइल्ड थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर इजी है एक बार खुद करोगे समझ लग जाएगी देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा करने में बहुत आसान है पर ठीक है। अब मुझे अब देखो अगर मुझे यहाँ पर तीन चार सेशन बनाने हो अगर ये देखो अब इसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ तक नहीं किया यही पे वर्क करते हैं समझो एक चाइल्ड है अभी दो को इग्नोर करो एक चाइल्ड है मुझे क्या चाहिए मुझे इसके अंदर दो और चाइल्ड चाहिए ये दो चाइल्ड इसके अंदर बने मेन कौन सा है ये वाला ये मेरा पेरेंट्स है पेरेंट्स पेरेंट्स ये हम इनर सेशन में बन गए। अब ये देखो मैं इसको कलर दे इसको मैं कलर दे रहा हूँ ठीक है। अब ये देखो ठीक हो गया अब ये हमारा एक ये है इसको मैं देता हूँ कलर चेंज और कलर कर रहा हूँ इसको मैं कलर दे देता हूँ ठीक है। और कलर चेंज कर रहा ठीक है। अब देखो अब ये आपको खुद ही समझ लग जाएगी सारा कुछ ये मेन था अब यहाँ मेन पे कोई भी इमेज लगा सकते हो कोई कुछ भी लगा सकते हो इसके अंदर दो चाइल्ड अगर और बनाना चाह रहे हो तो तीन कॉपी कर डुप्लीकेट कर दो तीन बन गए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये प्रॉब्लम है ये अक्सर मोबाइलों में ऐसी प्रॉब्लम आती है
दे ओलेक्स। अब देखो देखो, अब समझ लगी, अब परफेक्ट हो गया। अब ये वाला इनर सेक्शन है ना, इसमें आपको भी हाइट विड्थ मिलेगी। इसमें देखते हैं आपको हाइट मिल रही है नहीं मिल रही, क्या कह रहे हो? सर काफी इजी हो गया, आप अपनी मर्जी से सारी ये हो सकती है, हर जगह इतनी रिपीट कर। हाँ ठीक है, अब तो हर तरह से आप बना सकते हो। ये देखो आप तो फिट फाट हो गया। ठीक है, अब ये काम यहाँ तक हो। अब मुझे अगर इसके अंदर बटन लगाना है तो मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आराम से बटन उठाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ बटन चाहिए तो मैंने यहाँ लगा दिया, अब यहाँ बटन चाहिए और यहाँ लगा दिया। अब एक और चीज़ देखो कितनी मज़े की है, ये देखिए। अब मैंने ये बटन यहाँ उठाया, मैंने इसकी देखी यहाँ तक सही है, मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब मैंने कहा ये यहाँ पर नहीं सही लग रहा, ये इसके साथ ऐसे परफेक्ट लग गया और यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखो, अब तीन बटन एक लाइन पे बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है, एक चौथा बटन अगर लेना है तो इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, एक वाले को, एक को डुप्लीकेट करना पड़ेगा तो चौथा बटन भी आएगा और ये इसकी जगह परफेक्ट हो जाएगी अपनी जगह। सर काफी ठीक है, अपनी मर्जी से अब एडजस्टमेंट कर सकते हो जहाँ भी करनी है। तो ये चीज़ है, यही चीज़ मैं ऊपर बता रहा था सिर्फ। ठीक है, अब मेरे पास ये ऊपर में इनर सेशन है तो मैंने यहाँ पर बटन लगाना है। तो इसका परफेक्ट मेथड ये होता है कि आप एक को डिलीट कर दो, सिर्फ एक रहने दो इनर सेशन। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल कुछ चीज़ें लगानी है ना, तो अब मुझे एक बटन बनाया, अब मुझे इस बटन को परफेक्ट बनाना। पहले मैं जब कहूँगा ना ये परफेक्ट हो गया है कि मतलब अब मुझे इस पर ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की अप्लाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर इसका डुप्लीकेट लूँगा। डुप्लीकेट लिया एक और फिर दो, सारे एरियाज हाँ क्यों बार बार सबको बार बार स्टाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्लिक। कितना आसान काम हो गया, अब ये देखो परफेक्ट लग गया। आइकॉन चेंज करना है तो एक पे क्लिक करो, इसका आइकॉन चेंज करो, इस पे चेंज किया, इस पे कर दिया, इस पे किया और इस पे लग गया और मेरे